एक यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं उसमें इनके डोर पे जो सबसे बड़ी बात लिखी है वो ये उन्होंने लिखी है कि यहाँ पे वी आर हायरिंग, इनको जो है लोगों की ज़रूरत है। हर ब्रांड जितने भी यहाँ पे ओपन किए हुए लोगों की दादा है इनके अंदर दाखिल होंगे तो वहाँ पे इनको लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे वर्क करने वाले लोग बहुत कम हैं। लेकिन ये मैं बात बता दूँ कि ये उन लोगों को सब सहूलतें जो यहाँ पे लीगल है, इलीगल जो हमारे साथी और हमारा दोस्त और जो भी है वो यहाँ आना चाहते हैं और ये इसके बाद जो ये ना समझे कि मैं इनको प्रमोट कर रहा हूँ, इनको बढ़ा रहा हूँ। अगर आप इलीगल हैं तो फिर आप इस तरफ लोग सोचेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे ये लोग उनको रखते हैं जो लीगल होते हैं, जिनके पास सोशल सिक्योरिटी के कार्ड होता है ताकि वो उनका टैक्स काट सके और यहाँ प्रॉब्लम इनको ना हो। यहाँ असल में इलीगल चलते लोग हैं भी, बल्कि ज़्यादा भी लोग हैं इलीगल से छूट के आए हुए हैं, तो वो फिर देसी इदारों में काम करते हैं हमारे पाकिस्तानी इदारों में, जो इनको बुक्स में नहीं लेते, उनका नाम उनका अकाउंट्स में नहीं डालते तो उनका टैक्स नहीं कटता। ये सोशल सिक्योरिटी कार्ड मांगते हैं जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं अफ्रीका में, हर इदारों में, बड़े बड़े इदारों में, स्कूल में या जहाँ भी गवर्नमेंट बैंकों में अगर आप लीगल होंगे तो आपके लिए सर्विस है। लीगल से मुराद है कि आपके पास ग्रीन कार्ड होना चाहिए, आपके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए, तो वो जो है यहाँ पे उनकी जगह बनती है सब। बाकी वैसे आप अगर ये नहीं है तो फिर आप खुद भी परेशान ना हो और अपने घर वालों को भी परेशान ना हो, क्योंकि मैं ये देखता हूँ जो यहाँ आना चाहते हैं वो अपने से ज़्यादा अपने घर वालों को तंग करते हैं, तकलीफ में मुबतला करते हैं। वो ये समझते हैं जैसे यहाँ इनको रख लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ ये इदारे जो हैं सबसे पहले उनसे सोशल सिक्योरिटी कार्ड मांगते हैं, आईडी मांगते हैं। यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस अगर किसी के पास होता है तो आईडी कहलाता है, क्योंकि वो एक बार किसी का अगर बन जाए ड्राइविंग लाइसेंस तो फिर वो पूरे अमरीका में उसी ड्राइविंग लाइसेंस पर ही सफ़र करता है और हर जगह जाता है, उसको पता है कि ये ड्राइविंग लाइसेंस बनता है उनका है जो लीगल है यहाँ पे। तो ये है कि वो लोग तो हमारे या फिर वो ऐसे स्किल्ड पर्सन हो, ऐसे तजर्बेकार हो, उनके पास ऐसा एजुकेशन हो, ऐसा टेक्निकल काम आता हो जो यहाँ लोगों के पास ना हो, ना ना हो तो उनको ये लोग कंसिडर करते हैं। वो भी बाकायदा वो लीगल तरीके से उनके लिए अप्लाई करेंगे, ये करेंगे, मगर वो बहुत ही मुश्किल है, उसकी तरफ जाए नहीं। हाँ, अगर आप लीगल हैं तो यहाँ जब आते हैं तो आपको नौकरी वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ न्यू जर्सी में एक आम सा भी जो शख्स है जो पढ़ा हुआ भी नहीं है जैसे थोड़ा बहुत, उसको हमें अगर समझना सेल्समैन तरीके से और इस सिम का जो काम करेगा तो वो उसको $15 से $20 पर आवर अफ्रीकन डॉलर उसको मिलेंगे, तो ये मिल जाता है इसको। और मसाला ज़्यादा जो है 8 आवर्स की होती है और पार्ट टाइम भी देते हैं, और पार्ट टाइम में तकरीबन 20-22 घंटे इनको मिलते हैं। जो स्टूडेंट लीगल आते हैं उनको भी अलाउ होता है यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करने का, तो बाकायदा वो तो यूनिवर्सिटी में भी लग जाते हैं, फिर जब अपने कोर्स वोर्स कम्प्लीट कर लेते हैं तो ये फुल टाइम भी कर लेते हैं। तो मगर है कि यहाँ से भी देखें ज़रा, ये शेफूरा के नाम से जो ये ब्रांड है ख्वातीन की कॉस्मेटिक्स की, ये अमेरिका का बहुत बड़ी मशहूर ब्रांड है। यहाँ पे ख्वातीन ज़्यादातर इसी ब्रांड की कॉस्मेटिक्स वगैरह परचेस करती हैं। आप सब जानते हैं ख्वातीन तो खास करके कि इसकी बड़ी मकबूलियत है, बाथ एंड बॉडी का भी है ऐसे शेफूरा के नाम से बड़ी मशहूर कॉस्मेटिक्स की ये ब्रांड।
ज्वेलरी के डोन स्टोन और मर्फी एलन नीचे उतरते हैं।